हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश। पर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को डे 3 में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे निखारे, इसके बारे में अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, अवश्य देख ले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डे 3 में बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे निखारे, इसमें है कुछ टिप्स दिए गए हैं। पहला है खेल एक फायदे अनेक, मेनी बेनिफिट्स। हर प्रकार के खेल विकसित करते हैं बच्चों का व्यक्तित्व। जितने भी प्रकार के खेल है बच्चे का पर्सनालिटी व्यक्तित्व को विकसित करता है, चाहे इंडोर खेल हो या आउटडोर, चाहे घर के अंदर का खेल हो चाहे घर के बाहर का खेल। तो अगली बार जब आपका बच्चा खेल का समय बढ़ाने की मांग करे तो हिचके नहीं, क्योंकि यह सिर्फ खेल नहीं बच्चे के व्यक्तित्व का भी सवाल है, बच्चे का पर्सनैलिटी का भी सवाल है। तो पहला है खेल एक और फायदे अनेक, मेनी बेनिफिट्स। और दूसरा टिप्स है ज़्यादा रोक टोक नहीं, उम्र बढ़ने के साथ ही बच्चे की पसंद के खेल कूद का निर्णय करने की प्राथमिकता उसे दे, क्योंकि चोर सिपाही या साइकिल चलाने जैसे खेल भी आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है। इन खेलों के प्रभाव से उसमें टीम में काम करने की कला और सहन शक्ति विकसित होती है। दूसरा टिप्स है ज़्यादा रोक टोक नहीं, और तीसरा टिप्स है शारीरिक विकास, सो इजी। तीसरा टिप्स है शारीरिक विकास, पैरों पर चढ़ने से लेकर सीढ़ियों से कूदने तक के खेल बच्चों के, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। दौड़ने, गेंद फेंकने और साइकिल चलाने जैसे खेलों से बच्चों में स्वतंत्रता की भावना आती है। तो शारीरिक विकास के लिए इससे आसान क्या हो सकता है? और अगला टिप्स है सामाजिक कौशल को ऐसे दे बढ़ावा, बच्चे में सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए उसे ग्रुप में खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और उसे लोगों को ख्याल रखने की सीख दे, उन्हें अपने दोस्तों से बांटने के लिए प्रेरित करे, उन्हें अपने दोस्तों से बांटने के लिए प्रेरित करे। और अगला टिप्स है भावनात्मक मजबूती क्यों है ज़रूरी, तरह तरह के खेल खेलने से बच्चे में तनाव कम होता है। अगर बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं तो उसके बच्चे का तनाव कम होता है और बच्चा भावनात्मक तौर पर मजबूत और स्वस्थ होता है। ऐसे खेल बच्चों के लिए रचनात्मक भी कम नहीं होते। तो बच्चों का पर्सनालिटी निखार कैसे हो, इसके लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में कैसे निखारे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।